Hey guys, welcome or welcome back to my channel. My name is Vani and आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नेट साड़ी को परफेक्ट तरीके से कैसे ड्रेप करें, ओके? तो ये साड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ड्रेप करते टाइम, ओके? तो ये वाली साड़ी मेरा तो ये सजेशन है कि आप मत लो, क्योंकि एक बार आप इसे पहन लोगे तो फिर उसके बाद आपको दोबारा इसको पहनने का मन नहीं करेगा. ऑब्वियसली डिज़ाइनर जो साड़ियाँ होती हैं वो एक ही बार पहनने में मन भर जाता है उनसे. तो आपकी मर्जी हो तो आप ले सकते हो. इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो. तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने अपने पेटी कोट को जो है अपने नेवल के ऊपर से टाई किया हुआ है. तो आप इसी तरीके से अपने पेटी कोट को टाई करेंगे, ठीक है? अगर आपका पेटी कोट काफ़ी ज़्यादा उसकी विड्थ है और बहुत ज़्यादा चुन्नट जैसी आ जाती है ना पेटी कोट में, अगर वैसा आता है तो सारी जितनी भी चुन्नट आपकी पेटी कोट में आती है ना, वो आप अपने फ्रंट में लेकर आ जाना, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि आपकी साड़ी में बहुत ज़्यादा, जैसे अंदर से पेटीकोट बहुत ज़्यादा ऐसे बंधा सा और बहुत अजीब सा बल्कि दिखता है ना, तो वो सारा फ्रंट में अपने प्लीट में कवर हो जाता है. तो इस तरीके से आपको अपने पेटीकोट को कर लेना है. एंड यहाँ पर जैसा कि आपने देखा, मैंने अपनी साड़ी के एक कॉर्नर को एक नोट लगा कर अपने लेफ्ट साइड में टक कर लिया था. फिर उसके बाद अपने साड़ी को मैंने एक राउंड लेके आया है. फिर उसके बाद यहाँ पर हम अपने पल्लू को मेज़र करेंगे कि हमें अपने पल्लू की लेंथ कितनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पर हम अपना मेन पार्ट जो कि हमारी जो सामने की कमर वाली प्लेट्स होंगी वो बनेंगी. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इस तरीके से, अब यहाँ पर ये नेट की साड़ी है और काफ़ी भारी भरकम इसमें पेपर वर्क हो रखा है, तो पेपर वर्क की वजह से यहाँ पर हम कोई भी कमर वाली प्लेट्स नहीं क्रिएट करेंगे. जो हमारी साइड में जो प्लेट्स क्रिएट होती है ना वो वाली, तो वो हम क्रिएट नहीं करेंगे. सीधा डायरेक्ट हमारी सामने वाली जो प्लेट बनेगी वो क्रिएट करेंगे. तो इस तरीके से हम थोड़ी चौड़ी सी प्लेट्स, थोड़ी सी उनकी विड्थ ज़्यादा होनी चाहिए ताकि बहुत ज़्यादा बल्कि ना लगे, ठीक है? तो इस तरीके से हम प्लेट्स बना लेंगे. और उसके बाद यहाँ पर आप चाहो तो सेफ्टी पिन लगा सकते हो, या फिर बाद में सेफ्टी पिन टक करने के बाद आप लगा सकते हो, जैसा कि मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, ओके? तो इस तरीके से आप चाहो तो अपनी साड़ी को थोड़ा नेवल के नीचे से पहन सकते हो, और आपकी मर्ज़ी है. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम थोड़ा ऊपर से पहनते हैं तो थोड़ा कम, मतलब थोड़ा अच्छा दिखेगा. तो इस तरीके से आप अपनी साड़ी को बांध सकते हैं, ओके? तो इस तरीके से जैसा कि आप देख सकते हो, इस साड़ी को मैंने ओपन पल्लू में ही पहना है, क्योंकि इसकी प्लीट्स बनाकर पहनेंगे तो इसका वर्क जो है सारा ही हाइड हो जाएगा, ओके? चूड़ा जो कि मैंने ऑफलाइन परचेस किया हुआ है, और अगर आप मांगोगे तो मैं इसकी ऑनलाइन लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी. वो काफ़ी अच्छा लग रहा है आजकल मुझे ये. मैं अपनी काफ़ी सारी साड़ियों के साथ चूड़ा वैसे भी मिक्स मैच हो ही जाता है हर साड़ी के साथ, तो मैं इसको पहन रही हूँ. एंड यहाँ पर मैं आपको सेकंड स्टाइल बता रही हूँ. हमारा पहला लुक तो कम्प्लीट हो गया, अब यहाँ पर मैं दूसरा लुक आपके साथ शेयर कर रही हूँ. यहाँ पर अगर आप बोर हो चुके हैं अपनी साड़ी से एक ही तरीके से पहन के, तो आप सेकंड लुक क्रिएट कर सकते हैं. यहाँ पर आपको एक दुपट्टा लेना है. दुपट्टा भी मैंने नेट का ही लिया है. ये दुपट्टा भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. तो इस तरीके से आप देख सकते हो, मैंने अपनी कमर में टक किया था, फिर उसके बाद मैंने एक राउंड लेके आया है, फिर इसकी प्लीट क्रिएट कर रही हूँ, सॉरी इसकी प्लीट्स क्रिएट कर ली है मैंने. अब यहाँ पर मैंने अपने शोल्डर पर सामने की तरफ से सीधा पल्ला स्टाइल में रख लिया है. पीछे से कुछ ये ऐसा दिखता है, एंड फ्रंट में इस तरीके से कुछ लुक मिलेगा. सो आई होप आज का ये वीडियो आप लोग को पसंद आया. पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब. फिर मिलती हूँ मैं, बाय बाय.